हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ आपको, वीडियो में दिख ही रहा है कि इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी क्या रखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग घर बना रहे हैं और उनके पास ड्राइंग नहीं है, या बनवाने की इन फ्यूचर सोच रहे हैं, या आप ठेकेदार हैं, या आप साइड इंजीनियर हैं। ये बेसिक जानकारी मैं आज आपको दूंगा, जो कि जितने भी मैंने ये बताया है उन लोगों को ये पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जनरली ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए हैं जो घर बनाना चाह रहे हैं पर उनके पास ड्राइंग का जो अमाउंट है या कॉस्ट है वो एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी है ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, एक घर हम जब बनाते हैं तो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जमा पूंजी जो हमने रुपया इकट्ठा कर रखा होता है उसको लेके हम बनाते हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे, या कोई भी हो कोई नहीं चाहेगा कि जो वो घर बनाए वो बेकार बने या आगे कोई प्रॉब्लम आने को देखने को मिले। कुछ लोग गलती कर देते हैं कि एक कॉलम हमने यहाँ बना दिया और दूसरा कॉलम की दूरी बहुत ज़्यादा रख दी, या फिर दूसरे कॉलम की दूरी बहुत कम रख दी, तो वहाँ भी हमारी कॉस्ट तो लगी ना। अगर हम ज़्यादा 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 कॉलम दे देंगे उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो वो भी तो हमें कॉस्ट को बचा के चलना है। और ज़्यादा दूर रख दें कॉस्ट को बचाने के चक्कर में तो वो भी हमारे लिए, घर के लिए हानिकारक है। तो दोनों में समय कुछ नहीं करना है। उसके लिए हमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए घर बनाते समय एज़ पर कॉलम के रिलेटेड। तो देखिए, एक कॉलम की जो दूरी दूसरे कॉलम तक की होती है वो हमारी रखनी है, मैक्सिमम हमें रखनी है 12 फिट। ये 12 फीट दूरी हमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक रखनी है और इससे ज़्यादा दूरी हमें नहीं रखनी है। ये थंब रूल है या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, और आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बताने के बाद इसको आप पूछें, इसका फीडबैक लें इस चीज़ को लेके, फिर आपका रिजल्ट जैसा भी मिले मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि मैं एज़ पर थंब रूल के बारे में बता रहा हूँ। अगर एक फिट से दूसरे कॉलम की दूरी जो रखनी, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी रखनी है वो हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 12 फिट रख सकते हैं। तो ये अपने माइंड में आप पहले ये बात फिक्स कर लें कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी हमें 12 फिट ही रखनी है, चाहे हमें कॉलम 3 फिट तीन देने हैं या फिर 4 देने हैं। अब देखिए, मिनिमम जो मिनिमम कॉलम की दूरी हम रखते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी रखते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं कि मैक्सिमम तो पता चल गया लेकिन हमें कॉलम तो तीन की जगह 4 देने हैं, लेकिन हमें अब इन दोनों में जो दूरी हमें पास पास रखनी है वो कितनी रखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम दूरी कितनी रखनी है। तो दोस्तों, मिनिमम दूरी हमें 6 फिट से 10 फिट तक हम रख सकते हैं कॉलम की जो दूरी है मिनिमम, क्योंकि इससे कम भी आप रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप थोड़ा 6 फिट ही रखें अगर आपको मिनिमम रखना है, कि अगर आपको लगता है कि मैं इस कॉलम को दूरी कॉलम की जो कॉलम प्रोवाइड करना है वो कॉलम मैं कितना प्रोवाइड करूँ, कितनी दूरी पर करूँ, तो आप 6 फिट पर कर सकते हैं मिनिमम, क्योंकि इससे कम प्रोवाइड करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कॉलम को देखे, बस आपकी कॉस्ट ही जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने दो चीज़ आपको बताई कि मैक्सिमम दूरी कितनी रखते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम की और मिनिमम कितनी दूरी रखते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात, आप या तो इसको नोट करके लिख लें या अपने माइंड में स्पेशल डाल लें दिमाग में, कि ये जो मैंने बताया है ये एज़ पर थंब रूल है। ऐसा नहीं कि आप 4 मंजिल 6 मंजिल की घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप वहाँ अप्लाई करें इसको। वो सब लोड के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना लोड आ रहा है आपकी बिल्डिंग पे, उस हिसाब से आपका कॉलम का साइज, कॉलम की दूरी, कॉलम का मैक्सिमम मिनिमम दूरी तय की जाती है। ये आप ध्यान रख लें, ये जो मैंने बताया है ये आप 2 से 3 मंजिल तक की बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मैंने बताई है ये वीडियो उन्हीं के लिए हैं जो के पास ड्राइंग नहीं है। ऐसा नहीं हो कि वो वीडियो ये देख तो सब सकते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं हो वो लोग जिनके घर बन रहा है और उनके पास ड्राइंग है और ड्राइंग में 15 फिट दिया गया है या 11 फिट दिया गया है, तो वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो आर्किटेक्चर है अकॉर्डिंग टू लॉट से बनाई गई है।
तो दोस्तों आज की वीडियो जैसी भी लगी कमेंट में टाइप करके बताएं, और इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो कमेंट में टाइप करें, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो आई होप ये वीडियो सारी समझ में आई होगी। और दोस्तों अभी तक आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।